तो हे गाइस नमस्ते एंड सो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही हो गए। तो ये हमारा नया साइलेंसर मार्केट में बहुत ही बड़ा धमाका कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी आई कैची लगता है सबको ऐसा लाउडिश थोड़ा बाइक देखने के लिए, अच्छा भी लगता है। काफ़ी सारे मुझे इंस्टाग्राम पे DM आते हैं कि भाई आपको यहाँ पे आज देखा था। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए USD फोर्क सस्पेंशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि यामाहा R15 वर्जन 4 में ही कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। USD फोर्क सस्पेंशन को बोलते हैं अपसाइड डाउन सस्पेंशन, अपसाइड डाउन मतलब ऐसा बोलते हैं। तो वो अच्छा है कि जो V3 तक जो कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते थे वो अच्छे है, उसके बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं बाइक चलाते चलाते इसलिए बात कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको इंटरेस्ट लगे, क्योंकि वैसे ये टेक्निकल बात है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें कि ऐसा होना ही चाहिए, नहीं है तो नहीं चलेगा, वैसी बात नहीं है इसके लिए। और तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है USD फोक का कि ये कॉस्टिंग इसका ज़्यादा होता है। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है कि कॉस्टिंग क्या है भाई, कुछ भी ले लो तो कॉस्टिंग क्या है इसका, हम ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। तो जो USD फोक आते हैं उसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, तो ये इसका थोड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि मेंटेनेंस, तो USD फोक का मेंटेनेंस हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि एक मार्केट में बहुत ही नए ही लॉन्च हुए हैं तो सब लोग इसका मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वही इसका मेंटेनेंस कर पाते हैं। इसके लिए जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन इसका काम करता है। वैसे तो कोई ज़्यादा आता नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन बाई चांस आ गया तो भी। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो USD फोक होते हैं उसमें नीचे की साइड आपको स्लाइडिंग बार जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जो स्लाइडिंग अप डाउन होता है वो नीचे की तरफ रहता है। तो इसकी वजह से आपको जो मॉड वगैरह रहता है या गंदी जगह पे आप बाइक चलाते हो ना, तो ऑयल लीक, ऑयल सील जो हमारा रहता है सस्पेंशन में, वो लीक होना या डैमेज होना उसका चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है भाई। तो कुछ इस तरह का ही होता है सब कुछ, और कोई ज़्यादा वो नहीं है। और यहाँ पे भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ मर्सिडीज बेंज वालों ने एक छोटा सा इवेंट रखा हुआ है सबके लिए, तो मैंने भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी अपने नहीं लेना है इसमें पार्ट, इसलिए मैं नहीं गया हूँ। बाकी कॉल आया था मुझे, ओके चलिए अभी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये उसका डिसएडवांटेज थे कि भाई USD फोक के डिसएडवांटेज ये होते हैं। बाकी अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो आप सब लोगों को पता होगा कि जितने भी एडवांटेज होते हैं उतने सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं हर एक चीज़ में, आप कोई भी चीज़ ले लो। तो एडवांटेज में ये है कि जो, चलिए एडवांटेज की बात बाद में करेंगे, पहले ये कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह की बाइक्स में ये यूज़ होते हैं और क्यों होते हैं। तो पहला पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगा कि जो भारी सीसी की, मतलब कि जो हैवी सीसी की बाइक्स आती है जिसका टॉप स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, एक्सेलरेशन पिकअप बहुत ही ज़्यादा होता है, उस तरह की बाइक में ये अपसाइड डाउन USD फोक आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में आपको USD फोक देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो हाई स्पीड पे चलती है और हाई स्पीड पे आपको सडनली जब भी आपको कट लेना होता है या फिर ब्रेक लगानी होती है, तो ये रोड और टायर के बीच का कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा जमा के रखता है, मतलब कि एकदम से रखता है, ऐसे अचानक से टायर नहीं उठ पाता है, इसमें बहुत ही चिपका के चलाता है बाइक को। इसलिए USD फोक जो स्पोर्ट्स बाइक होती है, जो हाई स्पीड वाली बाइक होती है उसमें यूज़ होता है, और ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर मैं टेलीस्कोपिक, जो हमारे कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो आपको नॉर्मली हमारी जो कम सीसी वाली बाइक्स होती है या फिर एडवेंचर वाली बाइक होती है उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उस तरह के बाइक्स में इसलिए यूज़ होता है कि उस तरह की बाइक्स को आपको ऑफ रोडिंग में ले जाना होता है जहाँ पे खड्डे वगैरह ज़्यादा होता है, रोड बहुत ही कम होता है, इसीलिए उस तरह का सस्पेंशन उसमें यूज़ होता है।
बाकी लुक वाइज यूएसडी फोक बहुत ही फाड़ू लगते हैं, और जो गोल्डन कलर का उसका बार होता है स्लाइडिंग बार, वो तो और भी ज़्यादा फाड़ू लगता है और दूर से आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है ये। और अगर मैं एक और बात करूँ आपको, और एक मैं डिसएडवांटेज आपको बताना भूल गया कि जो हमारी कन्वेंशनल सस्पेंशन है वो उसका सस्पेंशन ट्रैवलिंग भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करता है, और जो गड्ढे वगैरह होते हैं, जो बम्प्स वगैरह होता है उसमें शॉक भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो, और जो यूएसडी फोक होते हैं उसमें उतना आपको शॉक वगैरह ज़्यादा लगेगा, मतलब कि अगर खड्डा आ जाता है तो हाथ वगैरह पे झरक भी ज़्यादा लगता है। तो ये यूएसडी फोक का एक डिसएडवांटेज भी आप बोल सकते हो। और यूएसडी फोक का और एक एडवांटेज एक मैं बताऊँ तो एडवांटेज में ये है कि आपको हाइट एडजस्ट कर सकते हो यूएसडी फोक की, जो कि फिलहाल मैंने देखा था कि अपाची जो आरआर 310 सीसी वाला बाइक आता है उसमें आपको इसका हाइट एडजस्ट करने का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है फिलहाल, जो कि R15 में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। R15 में आपको नॉर्मली जो कंपनी फिटेड आते हैं वही देखने को मिलेंगे। यूएसडी फोक में आप अपना हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अपने हैंडलिंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। जो कि कन्वेंशनल हमारे होते हैं जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, उसमें आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता होगा कि R15 जो V3 है और मेरे पास V3 है V2 है या उसमें मैं ये अपडेट करवाना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल भी करवा सकते हो, यूएसडी फोक लगवा सकते हो आप। आपको दो चीज़ रहेगी, एक ये जो टी है वो नया लेना पड़ेगा जो ऊपर का है, वो उसमें ये सेट हो जाएगा, और बाकी ये सस्पेंशन आप यूज़ कर सकते हो, वो वाले भी अच्छे ही है, लेकिन उसमें आपको जो खड्डा वगैरह होता होगा वो कम महसूस होगा, इसमें खड्डा वगैरह बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है मुझे। तो ये कुछ टेक्निकल बात थी आज के वीडियो में। तो कैसा लगा आज का हमारे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आप सभी लोगों को पता होगा कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल भी मत जाएगा दोस्तों। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ADP व्लॉग्स। तो काफ़ी अच्छा लगता है, धीरे धीरे हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ती जा रही है, तो जल्दी से 10K हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तभी मैं गिव अवे शुरू करने वाला हूँ। तो जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कर दीजिए, यूट्यूब को हैंग कर दीजिए, फाड़ दीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, अभी थोड़ा बाइक को तेज करेंगे तो भी मज़ा आएगा भाई लोग, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे चलाने में मज़ा नहीं है वो। तो चलिए एंजॉय कीजिए, थोड़ी देर में वीडियो को ऑन रखता हूँ। हंड्रेड तो आराम से जाती है, 100 तो मुझे पता भी नहीं चलता, कभी मैं मीटर में देखता हूँ ना तब मुझे पता चलता है, बाप रे ये तो 100 पे जा रही है, भाई थोड़ा स्लो कीजिए, सिटी रोड है।